गिद्दौर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। गिद्दौर थाना क्षेत्र के सेवा पंचायत के राजन बांध गांव में जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में जमकर रोड़ेबाजी हुई। बताया जाता है कि दीपक कुमार कल शाम में बगल के ही एक दुकान के पास सामान खरीद रहा था, तभी अपराधी नागेश्वर यादव, चंदन कुमार, मनीष कुमार तीनों ने दीपक को जबरन बाइक पर बैठाने लगा। जबकि इनका कहना है कि दोनों हथियार से लैस थे, जबकि पीड़ित का कहना है कि हमारे चचेरे भाई का भी ससुराल से कुछ लोग आए थे और उन लोगों को मनसा था कि हमें बाइक पर बैठाकर ले जाने का और मुझे जान से मारने का, लेकिन हो हल्ला करने के बाद अपराधी बाइक से फरार हो गए, तब जाकर मैं अपने घर वापस आया हूँ। मेरा चचेरा भाई का कहना है कि तुम्हारा बच्चा अगर स्कूल जाएगा तो बीच रास्ते में उठा ले जाएंगे उसे। हमारे माँ के साथ मेरी भाभी के साथ मारपीट की और धमकी भी दी। पीड़ित परिवार ने गिद्दौर थाने को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पूर्व के मामले में दोनों परिवार पर न्यायालय में केस चल रहा है। रात में आपके साथ? रात में हम दुकान पे थे, दुकान से सामान लेके थोड़ा बाहर आए, गए गेट पे। गेट पर से एक लड़का चंदन कुमार गया, बुलाया, बोला थोड़ा साइड हो, तो साइड हो गए। वहाँ माँ देखे कि बहुत चमकड़ा था उसमें, जो कि जागेश्वर यादव, चंदन कुमार और मनीष कुमार और उनके साला चंदन कुमार का और मामा जी थे और तीन आदमी और, मुंह ढका था, उसको नहीं पहचाने। वो लोग एकाएक वार किया मेरे ऊपर और वार करके बोला इसको अपहरण करो और ले चलो, किडनैप करके गाड़ी पर बैठाना चाहा, गमछी गला में लपटा। उसी समय हम गमछी छुड़ाए और हल्ला करने लगे वहाँ से, तब ढील दिया गमछी। इससे विवाद सर यही था कि हम कल दुर्गापुर में थे, ठीक है, रात को पूर्वांचल से हम आए। मेरा एक छोटा भतीजा वो छत पर चढ़ के हाथ धो रहा था, उसको खपड़ा तरफ हाथ धो दिया, इसी विवाद में वो जो है मामला बढ़ाने लगा। तो मेरा घर वाले ने बोला कि बच्चा था धो दिया, अंधे ऐसा नहीं करने देंगे। उसका बाद भी वो नहीं माना, उसको तोड़ताड़ करने लगा। कोई घर में नहीं था, न मेरा भाई था, न हम थे। उसका बाद तोड़ताड़ कर दिया, मेरा भाई, मेरा पत्नी, मेरा बच्चा सब थाना जाने लगा। उसका पहले उसका बेटा जो है बोला कि अगर पढ़ने जाएगा ये दोनों बच्चा, दोनों को अपहरण कर लेंगे, तुम अगर पढ़ने भेजोगे तो अपहरण कर लेंगे। उसका कारण मेरा बच्चा दोनों पढ़ने नहीं जाता है, सवेरे भी नहीं जा रहा था, लेकिन सवेरे हम बजरंग बली टाँटते गए तो बच्चा गया पढ़ने के लिए, अभी देखिए पढ़ने नहीं गया, डर से नहीं जा रहा, डर से नहीं जा रहा। उसका बाद जब मेरा पत्नी और माँ भाई जब थाना जा रहा था तो इधर से लाठी से रगड़ता जा रहा था कि तुम जाओ कहाँ जाता है, वह कर रहा था पूरा, क्या करेगा। थाना से आया मेरा भाई, घर आया, घर से दुकान चला गया, दुकान पर कोई सामान लिया। उसके बाद माँ दुकान पर खड़ा था, सुने हम तो रात को आए 10 बजे, तो दुकान पर जब सामान लिया तो चंदन कुमार की